हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तरुण चौधरी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईपीएल की कमाई के बारे में। दोस्तों, एक साल में आईपीएल कितने कमाता होगा, आज इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो टीवी चैनल जिन पे आईपीएल लाइव आता है वो टीवी चैनल कितने पैसे देते हैं आईपीएल वालों को अपने टीवी चैनल पर आईपीएल लाइव दिखाने के, और स्पॉन्सरशिप से जैसे वीवो ने स्पॉन्सर किया उसने कितने पैसे दिए, और जो बॉडी में कैप टी शर्ट जितने भी उनके कपड़े होते हैं जो भी स्पॉन्सर होते हैं, और स्टेडियम में जितने भी लोग मैच देखने के लिए आते हैं उनसे कितनी कमाई होती है, पूरी जानकारी आईपीएल की कमाई के बारे में आपको इसी वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। तो चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के। देश को आगे बढ़ाना है, मिलकर हमें सबको बढ़ाना है। वेलकम इन मनीलैंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीसीसीआई ने आईपीएल की शुरुआत 2008 में की थी। बीसीसीआई जो है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि बीसीसीआई के पास जितने भी पैसे आते हैं, जितनी भी कमाई बीसीसीआई के पास आती है आईपीएल से, वो सारे पैसे वो क्रिकेट में ही लगा देते हैं। उसे कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो जिस तरीके से बीसीसीआई काम करता है। उस टाइम पे दोस्तों क्या हुआ कि जो सोनी एंटरटेनमेंट था उन्होंने 8,200 करोड़ रुपये दिए बीसीसीआई को कि जो आईपीएल है वो लाइव हमारे चैनल पर आएगा। जो सोनी का मैक्स था उस पर आया करता था आईपीएल, आपको पता हो। तो 2008 से 2017 तक आईपीएल दिखाने के लिए अपने चैनल पर बीसीसीआई के पास में आईपीएल की तरफ से करेक्शन पहुंचा 8,200 करोड़ रुपए। ये बहुत ही बड़ा था, ये 2008 से 2017 तक के लिए था। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ है कि अब जो स्टार स्पोर्ट्स है, आपको पता हो अब स्टार स्पोर्ट्स पे आता है लाइव आईपीएल, तो अब क्या हुआ दोस्तों कि अब 16,000 करोड़ रुपये स्टार स्पोर्ट्स जो चैनल है उसने दे दिए हैं बीसीसीआई को 2018 से 2022 तक आईपीएल अपने चैनल पे दिखाने के लिए। तो दोस्तों इनकी जो कमाई है आईपीएल की वो 3,200 करोड़ रुपए तो इन टीवी चैनल से ही हो गई हर साल की। एक साल की कमाई 3,200 करोड़ रुपए टीवी चैनल पे लाइव दिखाने की, ठीक है। इसके बाद में अब की बार आपको पता ही होगा, पहले आता था डीएलएफ आईपीएल आता था, उसके बाद पेप्सी आईपीएल आया टाइटल स्पॉन्सर, और अब चल रहा है दोस्तों वीवो आईपीएल। अब वीवो ने जो है वो स्पॉन्सर किया आईपीएल को। अब यहाँ पे दोस्तों वीवो ने कितने पैसे दिए होंगे आप भी सोचो। वीवो जो है वो पूरा मार्केट में लुटा रहा है इंडिया में पैसा, कहीं भी देख लो वीवो के बोर्ड होल्डिंग हर जगह आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों वीवो ने 2200 करोड़ रुपए दिए हैं चार साल के लिए, 2200 करोड़ रुपए आईपीएल को दिए हैं टाइटल स्पॉन्सर के लिए चार साल तक के लिए, और जो 1600 करोड़ है वो पर टीम मतलब उन्हें दिए जाएंगे। बाकी पैसे तो बीसीसीआई रख लेगा लेकिन 1600 करोड़ रुपए टीमों को दिए जाएंगे। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाई है, 2200 करोड़ इनके इधर से आ गए, 3200 करोड़ उधर से आ गए। अब दोस्तों अब आगे बात करेंगे कि प्लेयर की जो बॉडी होती है वो स्पॉन्सर कितने में होती है। आपने देखा होगा कैप टी शर्ट पैंट लोअर जो भी वो पहनते हैं उन सभी कपड़ों पे किसी ना किसी का टैग लगा होता है, किसी ना किसी का लोगो बना होता है, जैसे पेटीएम का हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनकी बॉडी के जितने भी कपड़े होते हैं ये भी स्पॉन्सर करने के लिए 7 से 8 करोड़ रुपए लगते हैं, और ये मैचेस के हिसाब से लगते हैं कि अगले 10 मैच तक ये स्पॉन्सर रहेगा या फिर पूरा अगर सीज़न है तो पूरे सीज़न में कितने करोड़ का स्पॉन्सर होगा। तो लगभग 10-12 करोड़ रुपये यहाँ पर आप कमाई लगा सकते हैं इनकी। इसके बाद में हम बात करेंगे जो आपने देखा होगा कि आईपीएल में जो प्लेयर्स खेलते हैं वो वहाँ पर जो स्टेडियम में लोग बैठे हुए देखते हैं उन्हें जितने भी उनकी टिकट्स, दोस्तों अब पर मैच जो है 5 से 7 करोड़ रुपए जो है कमाई हो जाती है उनके टिकट से स्टेडियम के। और इसके साथ ही अगर हम लगाएं कि खाना वगैरह हो गया, जो कैंटीन्स हो गई वहाँ पे चलती हैं, जो लोग वहाँ बैठते हैं वो खाना खाते हैं, उसके साथ ही ये लोग पता क्या करते हैं, आपने देखा होगा टी शर्ट्स और जितने भी कपड़े होते हैं आईपीएल की टीमों के वो जब आप मैच देखने के लिए जाओगे तो स्टेडियम के बाहर ही उनके स्टॉल लगे होंगे बिकने के लिए, तो वो भी ये लोग बेचते हैं वहाँ पर स्टेडियम के बाहर, तो वो भी यही बेचते हैं आईपीएल वाले ही, तो वहाँ से भी उनकी कमाई होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनकी सारी कमाइयाँ निकाल के, इनसे पैसे भी ये काफ़ी खर्च करते हैं, आपको पता हो एडवर्टाइजमेंट पे कितना पैसा खर्च होता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं दोस्तों एडवर्टाइजमेंट पे। जितने भी हमें आईपीएल की एडवर्टाइजमेंट टीवी में आती है और भी बहुत जगह आती है उन पे भी 1,000 करोड़ रुपये तक खर्च हो जाते हैं आज के टाइम पे। तो इन सबको छोड़ के अब बात करते हैं टोटल प्रॉफिट कितना निकाल लेता है बीसीसीआई हर साल। देखिए 4,000 करोड़ रुपए तो बिल्कुल पक्के हैं बीसीसीआई के एक सीज़न में, इन्हें कोई हटा ही नहीं सकता इस टाइम पे, और ये बढ़ ही रहे हैं 4 से 5,000 करोड़ रुपए आगे अगले सीज़न में देखेंगे आप, अगले साल 7-8 हज़ार करोड़ रुपए कमाएगा ये, तो ये तो पक्के हैं।
4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए BCCI के IPL के। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। और इसके साथ ही आपके लिए एक ज़रूरी सवाल है, आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ऐसी कौन सी IPL की टीम है जिसे आप दिल से सपोर्ट करते हैं, उसका नाम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। मेरा देश मेरी जान, जय हिंद, वंदे मातरम।